चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, दो दिवसीय हल्द्वानी के दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं। सीएम ने अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को 26 करोड़ की सौगात दी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। आपदा पर विपक्ष को बोलने का हक नहीं है। सरकार आपदा को लेकर लगातार काम कर रही है। हमारी एसडीआरएफ आपदा के मामले में देश में नंबर 2 पर है। बेरोजगारी के मुद्दे पर हमारी सरकार काम कर रही है। सीएम के होम स्टे के तहत योजनाओं की जानकारी दी गई है। सरकार हल्द्वानी में रिंग रोड बनाने के लिए कार्य कर रही है। सीएम की तरफ से तमाम बातों को जिक्र किया गया और हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां पर उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, बेरोजगारी के मुद्दे पर हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कहा गया, और क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखिए तुषार, ये मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा समाप्त हो गया है हल्द्वानी नैनीताल जिले का, और देहरादून पहुंच गए हैं। हल्द्वानी के कार्यक्रमों में दौरे पर सीएम कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, जैसे कि लगातार न्यूज वन इंडिया दर्शकों तक सारी खबरें पहुंचा रहा है। और मुख्यमंत्री ने आज दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है। और मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो मुक्त विश्वविद्यालय के भवन का भी लोकार्पण उन्होंने किया है, और दूसरे कई कार्यक्रमों में भी वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता करते हुए तमाम राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी जिक्र किया है। इसके साथ साथ जो हिमालय आजीविका क्लस्टर स्तरीय जो फेडरेशन है उसका एक वेब पोर्टल का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है। इसमें जो आजीविका से संबंधित राज्य सरकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी उन्होंने जो आर्थिक रूप से जो आत्मनिर्भरता की योजनाएं हैं उनको उनको भी जनता तक पहुंचाने का काम किया है। तो इस तरीके से देखें तो सीएम ने सरकार की तमाम योजनाओं को वहां पर रखा है और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। प्रेस वार्ता के जरिए भी उन्होंने तमाम योजनाओं का जिक्र किया है। इसके दौरा अगर मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय देखते हैं तो ये 2-3 मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है तुषार। एक तो ये कि जो विकास योजनाएं हैं उनकी समीक्षा सीएम ने सीधे तौर पर मौके पर जाकर के की है। उसके अलावा जो विकास योजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास किया है। और एक तीसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस दौरे में मुख्यमंत्री ने जहां एक तरफ जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित किया है, वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद स्थापित किया है। तो ये दौरा सरकारी और सांगठनिक तौर पर मुख्यमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि ये 84वां अंतिम वर्ष और इसमें मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं, जो पूरे 4 साल पिछले घोषणाएं रही मुख्यमंत्री के अलग अलग स्थानों पर, उनका क्रियान्वयन जल्दी से हो, तेजी से हो, उसके साथ साथ जो विभागीय योजनाएं हैं, दूसरी जो सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन भी तेजी के साथ हो, तमाम बिंदुओं को लेकर के दौरा रहा है मुख्यमंत्री का जी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारी एसडीआरएफ आपदा के मामले में देश में 2 नंबर पर है। बेरोजगारी के मुद्दे पर हमारी सरकार ने काम किया है और बेहतर काम कर रही है, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। सीएम ने होम स्टे के तहत योजनाओं की भी जानकारी दी। नदी का जो बांध बन रहा है देहरादून जिले में, उसमें लगभग हमारा 1200 करोड़ रुपए करीब आसपास उस पर खर्चा है। उसको भी भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। हल्द्वानी रिंग रोड का अभी सवाल कर रहे थे, तो अभी हमने एक तो बड़ी जो रिंग रोड बनेगी उसके लिए तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी हमने एक कौन सी सड़क है वो कटघरिया वाली, उसको हमने स्वीकृत किया है। कुछ पैसा भी उसके लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए उसके लिए पैसा भी हमने स्वीकृत किया है। उसमें अलग अलग फील्ड में काम होगा, क्योंकि उसमें यूटिलिटी है, बिजली के खंभे हैं, टेलीफोन के खंभे, कुछ और यूटिलिटी नहर है उस पर, तो उसको सारा उसको कवर करने का काम होगा, उनको शिफ्टिंग का काम होगा, उस पर काम चल रहा है सर। प्रदेश बाकी जो हल्द्वानी शहर में एक बड़ी भारी आवश्यकता महसूस हो रही है कि जो हमारा जो मंडी से लेकर के और अस्पताल जहां हमारा है, या क्या तिराहा बोलते हैं उसको, अगला इस पर जिस तरह का कंजेक्शन हो गया है, ये फ्लाईओवर की डिमांड करता है। तो वहीं उत्तराखंड में कुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुंभ में उत्तराखंड के अलावा सभी पड़ोसी राज्यों की पुलिस भी योगदान देगी, साथ ही पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय को लेकर भी रोडमैप तैयार किया गया है। पड़ोसी राज्यों के पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ देहरादून में तैयारी बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, एनआईए, रेलवे सुरक्षा बल,
इसके अलावा तमाम दूसरे विभागों के अधिकारियों सहित प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। पड़ोसी राज्यों के पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ ये बैठक हुई देहरादून में। उत्तराखंड के कुंभ मेले को लेकर ये तैयारियां जोरों पर हैं और लगातार तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को कैसे पुख्ता रखा जाए, कैसे सुरक्षा घेरे को पुख्ता रखा जाए, इसको लेकर ये पूरी एक बैठक हुई। खबर देहरादून से है, जहां पर पेट्रोल के बढ़े हुए दामों पर बीजेपी ने सफाई दी। बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बाहर से ही तय होकर आते हैं, जिसके चलते दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है, महंगाई की मार कम करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस को पूरी जो स्थितियां हैं उसका अनुमान नहीं है। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं और जो विश्व के ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन कम कर दिया है, जिसके कारण से ये तेजी हो रही है वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक निर्धारित हैं उसके आधार पर तय की जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारी चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, निश्चित रूप से जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए और जनता के कष्टों का हल निकालने के लिए इस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि किस प्रकार से जनता को राहत पहुंचाई जाए। कि कांग्रेस को पूरी जो स्थितियां हैं उसका अनुमान नहीं है। जिस प्रकार पेट्रोल के बढ़े हुए दामों पर बीजेपी की सफाई आपने सुनी, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता विनय गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देहरादून में की और यह कहा गया कि कांग्रेस जो इस बात को लेकर हंगामा कर रही है, दरअसल उसे पता नहीं है कि स्थिति है क्या। बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। वहीं उत्तराखंड में कुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुंभ में उत्तराखंड के अलावा सभी पड़ोसी राज्यों की पुलिस भी योगदान देगी, साथ ही पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय को लेकर भी रोडमैप तैयार किया गया है। अब पड़ोसी राज्यों के पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ देहरादून में तैयारी बैठक हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, एनआईए, रेलवे सुरक्षा बल, सूचना ब्यूरो के अधिकारियों सहित प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। कुंभ 2021 के दृष्टिगत सभी बॉर्डर स्टेट जितने हमारे हैं जिनका कुंभ में महत्वपूर्ण रोल रहता है उनके साथ कोऑर्डिनेशन बैठक की। इसमें यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, इतने राज्यों की पुलिस, उनके आईजी और एडीजी लोग आए और जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके भी कुछ हमने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बुलाए और बहुत ही विस्तार से भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, जो डाइवर्जन स्कीम्स लागू होनी है, कंटिजेंसी स्कीम्स लागू होनी है और लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात हो, सोशल मीडिया के कोई इश्यूज हो, जो एंटी सबोटाज के कोई इश्यूज हो, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज, इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही साथ जो नई कोविड की नई चुनौती है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई और बड़े महत्वपूर्ण निर्णय इस मीटिंग में लिए गए और आपसी समन्वय जिससे बना रहे, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि सभी स्टेट्स के आपस में कोर्ट। तो वहीं हरिद्वार में कुंभ मेला प्रशासन ने सभी 13 अखाड़ों में लगने वाली धर्म ध्वजा की चुनी लकड़ी मेला प्रशासन द्वारा छिद्रवाला के जंगल से लाई गई लकड़ी के को अखाड़ों को सौंप दिया गया है। मेला अधिकारी दीपक रावत ने बैरागी कैंप में सबसे पहले बैरागी अखाड़ों के संतों को ये लकड़ी सौंपी। आपको बता दें कि लकड़ी चुनने के लिए वन विभाग की सभी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है।
कि जैसे अभी हमारे परम सम्मानित हरत्योगी जी ने भी बताया कि बहुत ही खुशी की बात है, एक तरह से कुंभ का आगाज़ हो गया है, एक सिम्बॉलिक इसकी शुरुआत है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए धर्मध्वजा एक लॉजिस्टिक चैलेंज भी होता है, क्योंकि इसमें एक तो सही पेड़ों के चयन के लिए थोड़ा फॉरेस्ट के अंदर जाना पड़ता है, साथ ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से टैप करना पड़ता है, इसका छपान होता है, कटान होता है, इसकी रॉयल्टीज दी जाती हैं, और इनके ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए होता है। तो यहाँ पे जो हमारी टीम है, इसमें हमारे परमिला अधिकारी हरबीर हैं, मंजीत हैं, आप सब ने बहुत अच्छा काम किया है, पुलिस सिक्योरिटी के साथ धर्मध्वजाएँ यहाँ पे आई हैं, और अब ये अलग अलग तिथियों पे स्थापित होंगी, और मैं समझता हूँ कि आगे भी बहुत अच्छा हमारा कार्यक्रम इस तरह से चलेगा। लकड़ी आ गई है, ये प्लान है कि जो अलग अलग हमारे धर्मध्वजाएँ आई हैं, जो साल के जो पेड़ हैं, ये पहले से चिन्हित हैं किस अखाड़े का कौन सा है, कहाँ कितने जाएंगे, इनको उसी लॉट के अनुसार, पर्चियों के अनुसार आज हम ऐसा खुशी का माहौल है कि देखिए मेला अधिकारी, अपर मेला अधिकारी, सभी लोगों, और जो पहली बार जीवन में पहली बार इस तरह से धर्म ध्वजा को रिसीव करके मेला अधिकारी जी, हरवीर सिंह जी तो 10 में भी एक्टिव रहे, और अब भी देखिए लाए, और कितनी बड़ी बड़ी और कितनी ऊंची ऊंची, तो आज जब ये संदेश जाएगा पूरे भारत में जाएगा, लोग कुछ भ्रांतियाँ फैला रहे थे कि धर्म ध्वजाएँ नहीं लगेगी, कार्य नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, शासन प्रशासन चाहता नहीं है, तो आज उनके मुंह के ऊपर एकदम करारा जवाब है, कुंभ भी होगा, भव्य और दिव्य भी होगा, लेकिन सुरक्षा के साथ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि देखो ये कोविड बीमारी है, ये कोई यहीं की नहीं है, विश्व की है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही शासन प्रशासन जो कार्य कर रहा है, तो पूरे अखाड़े इस बात के लिए सब तैयार है, और जैसा जैसी व्यवस्था होगी उसी के अनुसार होगा। और मैं तो आज के माध्यम से कहूंगा कि मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि मेला अधिकारी स्वयं धर्मध्वजा को रिसीव करने के लिए आए हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो गई, जो व्यक्ति धर्म और संस्कृति को मतलब स्थापित करने के लिए अपना कार्य मतलब वो कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब संदेह नहीं है, किसी तरह की संदेह की गुंजाइश नहीं है, मेला लगेगा, दिव्य होगा, भव्य होगा, लेकिन सुरक्षा के साथ होगा। तो वहीं जून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर सरकार ने तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर आज राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा, उत्तराखंड सरकार की तरफ से कड़क थीम के साथ साथ पारंपरिक परिधानों से नई पीढ़ी को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके तहत उत्तराखंड परिधान मैयर पहचान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी भी पारंपरिक परिधानों को समझ पाए। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा। और वो इसको अभिव्यक्त कर सकती हो, शैली की शैली देखने को मिल सकती है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और अब की बार का जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसको हम लोग समर्पित कर रहे हैं उत्तराखंड के परिवेश में, खासकर एक कार्यक्रम हम लोग प्रायोजित करने वाले हैं जिसका नाम है उत्तराखंडी परिधान मेयर पहचान करके हम लोग कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारे कुमाऊँ की संस्कृति है, जो हमारे गढ़वाल की संस्कृति है, जो हमारे परिधान हैं जो आज के समय में बहुत हद तक मॉडिफाई हो चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारी पुरानी संस्कृति में जो हमारे परिधान रहे हैं उनको हम लोग प्रमोट करें, और चाहे वह फिर कुमाऊँ की तरफ रहे हों, चाहे फिर वह गढ़वाल की तरफ रहे हों, तो वहाँ से उन परिधानों के बारे में लोगों को बताना, और उन परिधानों का आवरण करते हुए ये लोग महसूस कर सके कि हम एक गर्व के साथ इस परिधान को अपना भी मानते हैं और इसको पहनते हुए गर्व भी महसूस करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, पारंपरिक एक थीम रखी जाएगी और उसी के मुताबिक सारे परिधान तय होंगे। तो वहीं ढंडेरा को नगर पंचायत बनाने वाले कैबिनेट के फैसले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सवाल उठाए हैं। कहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार इसे 4 साल तक दबाए बैठी रही और अब चुनावी मौसम में सरकार ने फायदा लेने की नीयत से ढंडेरा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस का आरोप है कि तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने 2016 में ढंडेरा को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा कर दी थी। 3 जनवरी 2017 को हरीश रावत की कैबिनेट ने इसका प्रस्ताव पारित कर दिया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया और तब से ढंडेरा नगर पंचायत मामला ठप पड़ा हुआ है। अब शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा ढंडेरा नगर पंचायत को कैबिनेट में पास करा दिया गया, लेकिन इसका शासनादेश अभी तक भी जारी नहीं किया गया, जिसको लेकर खानपुर विधानसभा और ढंडेरा के लोग सख्ते में हैं। जो है इस गांव की अपेक्षा की गई है, उपेक्षा की गई है,
आपको बता दूं कि 2017 में 3 जनवरी को हरीश रावत ने कैबिनेट में पास करके इसका अंतिम सूचना भी जारी कर दी थी, इसका गजट भी पास कर दिया गया था। लेकिन आप ये मानिए कि राजनीतिक दिवेश के कारण इसको जो है फाइल को दबा दिया गया, और अब चूंकि 2022 सर पर है और इस कारण जो है इसे अब दोबारा से जो है भाजपा अपनी उपलब्धि बताते हुए इसको दोबारा से घोषणा की। 2022 से पहले ग्राम पंचायत चुनाव भी होने हैं, जो कि ग्राम पंचायत चलती आ रही है ढंडेरा। अब ऐसा क्या मानते हैं कि जिस तरह से पहले रामपुर और पाटली को भी देखा गया है कि 5 साल उनके खराब पंचायत, अब किया गया उसी उसको भी, और ग्राम पंचायत के चुनाव वहाँ पर नहीं हो पाया, तो कहीं ऐसा तो दोहरा व्यवहार नहीं होगा ग्राम पंचायत के साथ? देखिए, ये तो मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा है कि अभी तक जियो जारी नहीं हुआ। अभी तो हमको जो है अखबार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये पता चला है कि कल इसकी घोषणा हुई है। अभी इसका जियो हमारे हाथ में नहीं है, तो अभी हम नहीं कह सकते पुख्ता तौर पे कि। तो देवभूमि में बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।